पूर्वी दिल्ली त्रिलोकपुरी में आज ईडीएमसी के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया गया। त्रिलोकपुरी ईडीएमसी के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, डिप्टी मेयर किरण वैद, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वीर सिंह पवार समेत अन्य बीजेपी के निगम पार्षद अधिकारी मौजूद रहे। आदेश गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर और नारियल फोड़ कर स्कूल का उद्घाटन किया। आदेश गुप्ता ने बताया कि इस स्कूल को 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह स्कूल 3 मंजिला है और इसमें पूरी मूलभूत सुविधाएं बच्चों के लिए दी गई है। यह स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है जो दिल्ली में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा। हम अपने छात्रों के कल्याण और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं जब आदेश गुप्ता से पूछा गया कि शिक्षक वेतन को लेकर हड़ताल किए जा रहे हैं तो आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ईडीएमसी को बकाया रकम नहीं दे रही है। हम कोर्ट में भी गए हैं और आज कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। वहीं जब आदेश गुप्ता से कहा गया कि दिल्ली सरकार द्वारा कोई पैसा बकाया नहीं है तो आदेश गुप्ता ने कहा दिल्ली सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। कि पूर्वी दिल्ली निगम के द्वारा ये बहुत बेहतरीन प्रयास किया गया, जब त्रिलोकपुरी इस वार्ड के अंदर जहां स्कूल खोला गया किरण बैद जी के वार्ड में, दूसरा नया स्कूल है और पूर्वी दिल्ली ने पूरी पूर्वी अपने निगम में क्षेत्र में 50 नए स्कूल बनाए हैं या नए बिल्डिंग बनाई है या फिर काम चल रहा है, तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन निगम कर रहा है। प्राइमरी एजुकेशन बेहतर हो, उसके लिए बेहतर संसाधन हो, बेहतर बिल्डिंग हो, बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और ये बच्चे जो गरीब इलाकों के बच्चे आते हैं उनको मुफ्त एजुकेशन देकर देश का अच्छा नागरिक बने, देश के विकास में वो भागीदार बने, इसलिए निगम को मैं बहुत बधाई दूंगा। जी बधाई तो दे रहे हैं, बिल्डिंग बन गई है लेकिन शिक्षक जो है लगातार धरना देने को मजबूर है निगम मुख्यालय के बाहर। देखिए हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली सरकार निगम को पैसा नहीं दे रहा है, हम कोर्ट में भी गए हैं, कोर्ट का भी डिसीजन आज आने वाला है और हम ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के अंदर बेहतर निगम चले, इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें दिल्ली सरकार जैसी क्षुद्र मानसिकता के जो लोग बीच में आ जाते हैं राजनीतिक रूप से, वो रोड़ा अटकाते हैं, वो रोड़े नहीं अटकाए जाएं और नगर निगम जो जनता की बेहतरी के लिए काम करता है उसमें कोई राजनीति न की जाए। कोई भी बकाया नहीं है निगम का। देखिए झूठ बोलना उनकी फितरत है। 13,000 करोड़ रुपए बकाया हमने इसके लिए मांग भी की थी और पूरा डिटेल भी दिया था। उन्होंने 6 फंड हमारे कम कर दिए हैं, काट दिए हैं और इसी तरह से उन्होंने दिल्ली के अंदर निगमों को जो उनका प्लान हेड का पैसा था जो ग्लोबल शेयर है उसमें भी कटौती की है, जो कि दिल्ली सरकार ने बहुत गलत काम किया। आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा इस हमारे वार्ड में जो नया स्कूल बना है इसका उद्घाटन हुआ है। ये 3,49,00,000 की लागत से बना है और बहुत ही सुंदर स्कूल है जो नई टेक्निक से बना है। ये 3 मंजिल इमारत बनी है जो देखने में बहुत ही सुंदर है। आप जाके इनके शौचालय भी इनके कमरे भी चेक कर सकते हैं कि जिस तरीके का सामान इनके शौचालयों में लगा है शायद ही किसी अन्य स्कूल में लगे हो। ये मेरा वार्ड का दूसरा नया स्कूल है, पहला गंगा मार्केट के सामने जो निगम का स्कूल है उसका उद्घाटन हमने अपने माननीय सांसद गौतम गंभीर जी द्वारा करवाया था। आज हमने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी द्वारा इनका उद्घाटन कराया है जिसमें ईडीएमसी की पूरी मेन बॉडी के सभी सदस्य रहे थे। और देखिए आप जनता इतनी खुश है क्योंकि ये जो स्कूल बना है ये बहुत जो क्लस्टर में लोग रहते हैं या जो नीचे तबके के लोग हैं गरीब लोग हैं उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ शिक्षा का स्तर भी सुधरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर क्षेत्र में एक अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। आज जो स्कूल का उद्घाटन होने वाला है इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 4 कमरे, 1 बड़ा हॉल, 2 टॉयलेट का निर्माण होने वाला है। फर्स्ट फ्लोर पे 4 कमरे बने, 7 कमरे बनेंगे। सेकंड फ्लोर पे 7 कमरे, टोटल लागत 18 कमरे, 1 बड़ा हॉल, 6 टॉयलेट का निर्माण 3,49,00,000 की लागत से होने वाला है। हमने पूर्वी दिल्ली के लगभग सभी स्कूलों का कायाकल्प किया है। आने वाले समय में सभी स्कूल प्रतिभा विद्यालय कराएंगे। आने वाले समय में सभी स्कूलों के अंदर इंग्लिश कंपल्सरी होगी, 1 क्लास इंग्लिश की होगी, ये आपको विश्वास प्राप्त है। जब मैं अभी स्कूल में आया मैं अपने सभी टीचर्स को प्रणाम करना चाहता हूँ कि हम उनको 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे पाए फिर भी लगन से लगे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे टीचर्स को। मैं अपने प्रधानाचार्य जो यहाँ की प्रधानाचार्य है बताना चाहता हूँ कि
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।